वेलकम बैक व्यूअर्स अगेन इन दिस लास्ट लेक्चर. पिछला वाला लास्ट लेक्चर था, लेकिन यह है कि अब ये लास्ट लेक्चर हो गया इस एजेक्स ट्यूटोरियल सीरीज़ का. तो इसमें आपको एजेक्स का फंक्शन का बताना है, जो बेसिकली यही जॉब करता है, लेकिन वो एजेक्स का फंक्शन है. तो सबसे पहले हम जो है इसको क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा हम एक उसमें सेव करते हैं, कमेंट कर देते हैं इसको, ठीक है जी. और इससे नीचे आते हैं, तो दिस इज समथिंग समथिंग समथिंग. ओके, बाकी सब कुछ वही रहेगा. तो एजेक्स का जो फंक्शन होता है वो भी इस तरह होता है कि डॉट एजेक्स लिखना पड़ता है उसमें आपको. और ये बेसिकली इटसेल्फ एक बड़ा इम्पोर्टेंट फंक्शन है. तो इस तरह स्टाइल है इसका. ये जो है पोस्ट और गेट की तरह है, लेकिन ये है कि एजेक्स का फंक्शन है. इसमें आपके पास मज़ीद जो है पैरामीटर्स है जो आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे, लेकिन मैं आपको बेसिक इसका सिंटैक्स बताऊंगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर बाकायदा लिखना होता है कि यूआरएल क्या होगा इसका, ठीक है जी. तो यूआरएल हमारे पास टेस्ट डॉट पीएचपी है, फिर कोमा लगाते हैं, नीचे आते हैं, फिर होता है डेटा. डेटा क्या होगा आपके पास? तो डेटा बेसिकली भी हमारे पास वही है जो कि ऊपर था, ये नेम हो गया और यूज़र अंडरस्कोर नेम, फिर कॉमा ईमेल इज इक्वल टू ईमेल यूज़र ईमेल, और पास इज इक्वल टू यूज़र पासवर्ड, ठीक है जी. ये हो गया डेटा. और यहाँ पर फिर कॉमा लगाएंगे और टाइप जो है लिख देंगे इधर पोस्ट, फिर कॉमा, और एंड में सक्सेस लिख देंगे, ठीक है जी. सक्सेस में आ जाएगा फंक्शन, फंक्शन में वही डेटा आ जाएगा, और इस फंक्शन के अंदर यहाँ पर हम कह देंगे कि चेक करो. ये जो हमारे पास एक डॉलर अंडर नोट अंडर स्कोर जो रिज़ल्ट के नाम से हमारे पास एक आईडी है, उसको चेंज करो डॉट एच टी एम एल, और यहाँ पर डेटा को डिस्प्ले कर दो डायनामिकली. तो ये सारा कुछ है सिंपल सा. जो एजेक्स का फंक्शन है वो इस तरह काम करता है कि आपको यूआरएल देना पड़ता है, डेटा देना पड़ता है. डेटा क्या क्या है, मतलब क्या डेटा सेंड कर रहे हैं, वही वही सेम है. और टाइप इसमें आपको बाकायदा तौर पे डिफाइन करनी पड़ती है. तो यहाँ पर मैंने पोस्ट रख दिया, आप गेट रख सकते हैं अगर गेट है. बाय डिफ़ॉल्ट भी ये गेट रिक्वेस्ट ही सेंड करता है. और सक्सेस पे जो है फंक्शन डेटा, और डेटा वापस आ गया. अब हमारे पास अगर कुछ गलत नहीं जा रहा तो ये भी इसी तरह काम करना चाहिए. प्रेस करते हैं पेज को. अब्दुल वली, ए डब्ल्यू परेशान, और कोई पासवर्ड दे देता हूँ मैं. दिस ईमेल इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड, प्लीज़ ट्राई अनदर वन. तो ठीक है जी, मैं जो है इसमें आयशा खान लिख देता हूँ, और aisha@gmail लिख देता हूँ .com, एंड पासवर्ड में कोई भी दे देता हूँ, और क्लिक करता हूँ सबमिट. रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, थैंक्स. पेज कोई रिफ्रेश नहीं हुआ जनाब. यहाँ पर आते हैं, दूसरा यूज़र आपके सामने, आयशा खान वली खान aisha@gmail.com. सो इसमें आप और भी जो है बहुत सारे और भी पैरामीटर्स हैं जिनको आप ऐड कर सकते हैं. उसके लिए मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि आप काइंडली jQuery AJAX लिखें गूगल में, और jQuery की वेबसाइट पे जाए, ठीक है. ये jQuery की अपने वेबसाइट पे आपको बहुत सारे एग्जांपल्स हैं और बहुत सारे जो है सिंटैक्स यहाँ पर दिए गए हैं कि क्या चीज़ किस लिए यूज़ होती है. बहुत सारी इसमें आप देख सकते हैं, देखिए यू आर एल टेस्ट डॉट एच टी एम एल कॉन्टेक्स्ट डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डन फंक्शन दिस एड क्लास डन टस टस टस. सो एंड ऑफ द डे यहाँ पर बहुत सारे फंक्शन है, कॉल बैक फंक्शन है, और ये एग्जाम्पल्स है कोड्स के जो है आपको दिए गए हैं यहाँ पर jQuery की टीम की जानब से. तो ये पूरा एक समंदर है इलम का, यहाँ से आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं. तो ये था हमारा लास्ट ट्यूटोरियल इस हवाले से, एजेक्स की सीरीज़ के हवाले से. आई होप कि आपको पसंद आ गया होगा, और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिए. ऑनलाइन उस्ताद डॉट कॉम को विज़िट करते रहिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और कोई क्वेश्चन हो तो वहाँ पर लाजमी आप पोस्ट कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय, अल्लाह हाफिज़.